फूड लवर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है गोलू गौरी की रसोई में एक बार फिर से। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि इतने दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई, इसलिए क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बलून स्टाइल भटूरे की रेसिपी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर पे भटूरे बनाते हैं तो वो फूलते नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपके भटूरे फूले फूले और मुलायम बनेंगे। इसके लिए हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मेदे का डो बनाना सिखाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के बलून स्टाइल भटूरे का वीडियो शुरू करते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं 1.5 चम्मच नमक, 1/3 बाउल सूजी, 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी, 1 बाउल दही और लगभग 1 किलो मैदा। अब हम मैदे का डो लगाएंगे। हमने मैदे को थाली में डाल लिया है। अब हम इसमें एक एक करके इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। दही, सूजी, चीनी, नमक, बेकिंग सोडा। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे। भटूरे का डो हमें अच्छी तरह से लगाना है ताकि हमारे भटूरे अच्छी तरह से फूले। एक बार डो अच्छी तरह से बन गया तो आप किसी भी आकार में भटूरे बनाइए, वो अच्छी तरह से फूलेंगे ज़रूर। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे ताकि डो बनाते समय मैदा हमारे हाथ में चिपके ना। बस आप डो बनाने का प्रोसेस अच्छी तरह से देखते रहिए, फिर देखिए हमारे भटूरे कैसे फूलते हैं। गुनगुना पानी इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है ताकि डो ज़्यादा लचीला ना हो जाए। दोस्तों, डो बनाना भी एक कला है जिसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डो बनाने पर ही निर्भर करता है कि हमारी रोटी, पराठा, भटूरे कैसे बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंथेंगे। मैदे को अच्छी तरह से गूंथने के बाद हमारा डो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसे थोड़ा और मुलायम करने के लिए हम इसमें थोड़ा और तेल मिलाएंगे और इसे गूंथेंगे। मैदे के डो को हमें अपने हाथों से कुछ इस तरह से गूंथना है, क्योंकि इस तरह से हाथों से गूंथने से डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डो तैयार हो चुका है, लेकिन भटूरे बनाने के लिए हमें इसे 1.5 से 2 घंटे तक ढककर रखना पड़ेगा। ढककर रखने से ये अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा और हमारे भटूरे फूले फूले और मुलायम बनेंगे। आइए अब हम इसे एक बाउल में 1.5 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई और रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो डो तैयार किया था उसे हम निकाल लेते हैं और जब तक तेल गरम होता है तब तक उसकी छोटी छोटी लोए बना लेते हैं। देखिए, अब हमारा डो अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसकी लोए बनाएंगे। डो हमने अच्छी तरह से तैयार किया है, इसलिए आप जैसे भटूरे बनाए, चाहे बड़े बनाए चाहे छोटे बनाए, लेकिन भटूरे फूलेंगे ज़रूर। लोए को बेलने से पहले हम इसमें थोड़ा तेल लगाएंगे ताकि बेलते समय लोए चिपके ना। हमने 3-4 लोए तैयार कर लिए हैं। आइए अब हम इसे बेल लेते हैं। भटूरे आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं और लंबे भी बेल सकते हैं पैराबोलिक शेप में। हमने 3-4 भटूरे बेल लिए और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। आइए अब हम एक एक करके भटूरे को तेल में तलते हैं।
भटूरे को तेल में डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से हिलाते रहना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से चम्मच से हम इसे हिलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा भटूरा अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे पलट देंगे। वाह वाह वाह, ये कितनी अच्छी तरह से फूल गया और मेरा तो इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। देखिए भटूरा अब सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आइए अब हम आपको दूसरा भटूरा तल के दिखाते हैं। हमें पहले की तरह ही भटूरा डालकर इसे हल्के हाथों से हिलाना है और आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा भटूरा भी अब फूलने लगा है। हम इसे अब दूसरी तरफ पलट देते हैं। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम बाकी के भटूरे भी तलकर रेडी कर लेते हैं। हमने सारे भटूरे अलग अलग आकार में इसलिए बेले हैं ताकि हम आपको दिखा सके जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप किसी भी आकार में भटूरे बेले वो फूलेंगे ज़रूर। और आप देख सकते हैं कि हमारे भटूरे कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं जबकि हमने इन्हें अलग अलग आकार में बेला है। और आप इसे छोले सलाद अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इन फूले हुए भटूरों से आपको तारीफ ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।